तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मेरे सभी बैंकिंग के वीडियो पे, उसी के वजह से या कह सकते हैं उसी के प्यार के वजह से मैं आपको एक और यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ, जिसमें आप SMS के थ्रू आप अपना पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे लेन देन प्रोसेस नहीं होगा, स्लो प्रोसेस होगा। ATM में जाते थे तो बहुत सारे काम आपको करना पड़ता था पिन बनाने के लिए, लेकिन अब कहीं यहाँ पे प्रोसेस में शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप उतना ही प्यार दुलार देंगे जितना अदर वीडियो में देते हैं मुझे, बैंकिंग वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि आप अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ATM पाए हैं उसका पिन जनरेशन अपने मोबाइल के थ्रू कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैं बैंकिंग से रिलेटेड और यहाँ पे आपको बता दूं हर एक UPI जो भी हैं, फोनपे, पेटीएम, भीम UPI, गूगल पे, गूगल UPI जो भी हैं, सभी के बारे में नॉलेज पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रिचार्ज की वीडियो लाता हूँ और यहाँ पे व्हाट्सअप टिप्स एंड ट्रिक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए चलिए हमारे लिए स्टार्ट करते हैं लाइव, हम देखते हैं कैसे हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM का पिन जनरेट कर पाएंगे। आइए पूरा प्रोसेस सीख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप भी नया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ATM कार्ड पाए हैं तो कैसे पिन बनाना है, आइए पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैसेज बॉक्स में जाना होगा और उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें होना जरूरी है, आपका पासबुक, आपका ATM कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं हमको क्या करना है। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। प्लस के आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे रिसिपिएंट दे रहा है, यहाँ पे आपको भरना होगा क्या 567676 यानी 5676676 ही भरना होगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा आपके मोबाइल में या जो सिम है ना उसमें मिनिमम बैलेंस कम से कम 3 रुपये होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका पिन बन पाएगा, तभी इसमें वगैरह जाएगा कंप्लीट, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है पिन, PIN, ठीक है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। स्पेस देना होगा यहाँ से और उसके बाद अपने ATM कार्ड का अंतिम का 4 डिजिट देना होगा, ठीक है। ATM कार्ड आपका यहाँ पे 16 या 12 डिजिट का होता है तो अंतिम का आपको 4 डिजिट देना होगा। आइए मैं फिल करता हूँ, ठीक है। तो मैं फिल कर दिया और हमको अब क्या करना होगा, अब फिर स्पेस देना होगा और अपने खाता नंबर का अंतिम 4 संख्या देना होगा। तो आइए मैं अपने खाता नंबर का अंतिम 4 संख्या दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भर दिया। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सेंड करना होगा। ध्यान रखिएगा आपके सिम में बैलेंस रहेगा ना तभी हो पाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा आपके सिम में 3 रुपये बैलेंस होना चाहिए मेन बैलेंस। अब आपको यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरह से मैसेज चला जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या होता है। और मैसेज जैसे ही जाएगा आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपके नंबर पे एक दोबारा से उधर से मैसेज आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए मुझे SMS मिला है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए वी अवेयर डू नॉट शेयर द पिन, मेरा पिन आ चुका है जो यहाँ पे 4 अंक का है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब हमको क्या करना है, मेरी 4 अंक की पिन मेरे पास आ चुकी है, अब हमको क्या करना है, आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पिन जो आया है ना इसको किसी को शेयर मत करिए, किसी को प्लीज शेयर मत करिएगा। और आपको क्या करना है, यही पिन लेकर चलना होगा अपने नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के पास, ठीक है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ। बस थोड़ा सा काम है, ATM पे जाना होगा, पिन बस चेंज करना है आपको। चलिए दिखाता हूँ लाइव, मैं भी चलता हूँ ATM मशीन पे और आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ATM मशीन पे आ चुके हैं, ATM कार्ड स्वाइप आपको करना होगा। जैसे ATM कार्ड को कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे, ATM मशीन में लगाएंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, इंग्लिश या हिंदी भाषा चुनना होगा। तो आप इंग्लिश या हिंदी चुन सकते हैं, मैं इंग्लिश चुनूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे कि 10 से 99 के बीच में 2 कोड डालिए।
आप कुछ भी कोड भर सकते हैं, मैं तो 99 भरूंगा, ठीक है 99 भरूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा ताकि दूसरी वीडियो ना आपको देखना पड़े। मैं 99 भरा, अब यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद देखिए हमारे सामने किस तरह से इंटरफेस आता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कह रहा प्लीज इंटर योर पिन, देखिए यहाँ पे कह रहा पिन मांगा है आपसे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आई है ना, SMS जो आया है जिसमें 4 अंक का या 6 अंक का कोड होगा, वही वाला कोड यहाँ पे भर देना होगा, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, जो नंबर आपके मैसेज बॉक्स में जो आया है ना, जो कोड आया है ना आपके मोबाइल नंबर पे, वही वाला कोड यहाँ पे भरना होगा, 4 या 6 अंक का जो भी होना यहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखिए मैं कोड भर चुका हूँ, 4 अंक का मैंने कोड, मेरा कोड था, मैं कोड भर दिया। जैसे ही कोड को फुलफिल करेंगे ना यहाँ पे ATM मशीन में, उसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन है, मिनी स्टेटमेंट है, सर्विस है, क्विक कैश है, बैंकिंग है, बैलेंस इंक्वायरी है, ट्रांसफर है। हमको क्या करना होगा, बैंकिंग वाले ऑप्शन में इंटर करना होगा। देख सकते हैं दाहिने साइड पे पहले नंबर पे ऊपर के साइड देख लीजिए, यहां पे बैंकिंग लिखा है ना दाहिने साइड में ऊपर पहली नंबर पे, ठीक है। बैंकिंग, इस बैंकिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। पिन चेंज, अदर, फास्ट कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। तो हमको पिन चेंज अब करना पड़ेगा, तो हम पिन चेंज वाले ऑप्शन पे जो बाएं साइड पहले नंबर पे है उस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उस पे जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, प्लीज इंटर योर न्यू पिन। तो 4 अंक का सीक्रेट कोड आप बना लीजिएगा। अब आप यहाँ पे आपको जो कोड बनाना हमेशा के लिए ना, वो वाला कोड यहाँ पे भरना होगा। तो 4 अंक का अपना पिन यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अपने हिसाब से कोड बना लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, प्लीज री इंटर योर पिन, मतलब वही पिन जो आप अभी ने डाला है वो भी दोबारा डालना पड़ेगा, मतलब 2 बार वही पिन भरना होगा जो आपको पिन हमेशा के लिए बना के रखना है। तो फिर वही पिन डाल दीजिए जो आपने अभी भरा है अपने लिए, ठीक है, हमेशा के लिए जो भरा है। वो जैसे पिन डालेंगे अब आपके सामने ऐसा आएगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अब ये कन्फर्म होता है कि आपका जो पिन है ना सक्सेसफुल बन चुकी है, ठीक है, आपकी पिन बिल्कुल बन के रेडी हो गई। इस तरह से आपकी डिस्प्ले जब शो होगा ना तभी आपकी पिन कन्फर्म बनेगी। अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड वगैरह लिख दे रहा है तो आपकी पिन नहीं बनी है, फिर आप दोबारा ट्राई करिए। अगर ऐसे लिख देता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे पिन कन्फर्म बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, प्लीज टेक योर कार्ड। तो आप अपना ATM कार्ड ATM मशीन से ले लीजिएगा और यहाँ पे क्लियर डाटा, मतलब नीचे दिखाता है क्लियर करने के लिए रेड वाला बटन, तो यहाँ से क्लियर या कैंसिल कर दीजिएगा ताकि कोई और आके यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह आपके ATM कार्ड के साथ ना कर पाए। और इसके बाद जैसे ATM कार्ड आप निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे दोबारा ATM कार्ड स्वाइप करके बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए कि आपका पिन सही से बना है कि नहीं बना है। तो बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ मैंने जो पिन बनाया, जो कोड बनाया वही कोड है इसमें बन चुका है, जिससे वो बैलेंस चेक होकर आपको बता देगा। तो कोड कन्फर्म हो जाए, कोड बन चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, यदि पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।